गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ की अपडेट जो है वो आई है एक नई यूटिलिटी के साथ। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा था कि जो हमारा DRC03 यानी कि जिस फॉर्म को यूज करके वॉलंटरी पेमेंट किया जा रहा था, क्या वो अब नहीं कर पाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। और इससे रिलेटेड DRC03 का जब आप पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को क्या आपकी पेमेंट जो आपके उस साल की है उसके लिए कंसिडर करेगा या नहीं, ये दो रिलीफ जो है पोर्टल के अंदर दिए गए। सबसे पहले आपको मैं ये कंफर्म कर दूं कि जो हमारा DRC03 का एप्लीकेशन है इसमें आप 17-18 जो 17-18 फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन था उसके लिए भी आप फाइल कर सकते हैं। चाहे आपका वॉलंटरली आपने करना है 73-5 या फिर 74-5 के अंदर, अगर आपके अगेंस्ट कोई SCN इश्यू हुआ है तो उस SCN यानी कि DRC01 के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप एनुअल रिटर्न 17-18 की फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो आपका पेमेंट बनता है वो भी आप 17-18 के लिए कर पाएंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन 9C के लिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका लाइबिलिटी मिसमैच है GSTR 1 और 3B का, तब भी आप 17-18 का पोर्टल जो है वो यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के किसी भी सिचुएशन में अगर आपको अपनी DRC03 फाइल करनी है तो आप उसका पेमेंट जो है वो कर सकेंगे, उसमें आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आएगी। 17-18 का टैब फिलहाल इनेबल्ड है, इसको डिसेबल नहीं किया गया है। कुछ घंटे के लिए डिसेबल हुआ था, इसमें एक नई फैसिलिटी जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है उसे ऐड करने के लिए जिसका डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। दूसरा जो आप लोगों को समझना है वो क्या है, वो है डिस्प्लेइंग पेमेंट लाइबिलिटी एंड इट्स रेशियो फॉर इट्स कैलकुलेशन एंड प्रोवाइडिंग फॉर्म जीएसटी DRC03। कहने का मतलब है कि लेट सपोज आपके 17-18 की लाइबिलिटी बनती थी 1,000 रुपए की, आपने 1,000 रुपए में 800 रुपए 3B के जरिए पे कर दिया था और 200 रुपए आपने पे किए थे DRC03 के जरिए जब आपको पता लगा अपनी एनुअल रिटर्न को भरते समय। तो अब जो यहां फैसिलिटी दी गई है, इस फैसिलिटी का क्या मतलब है? इस फैसिलिटी का मतलब है कि जब आप अपना कंपैरिजन टेबल देखेंगे या डिपार्टमेंट आपकी कंपैरिजन टेबल को यूज करेगा तो वो ये देखेगा कि आपने 17-18 या किसी भी साल के लिए आपने 3B से कितना पेमेंट किया था प्लस आपने DRC से उस साल के लिए कितना पेमेंट किया है, और अगर ये पेमेंट 100% ऑफ एक्चुअल लाइबिलिटी से मैच कर जाती है आपको नोटिस जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये फंक्शनैलिटी इसी चीज को बता रही है। सिस्टम कंप्यूटेड लाइबिलिटी is auto populated in 3B on the basis of values reported in 1 or IFF, ठीक है? 3B में जो फिगर आएगी वो 1 से या IFF से आएगी। In addition to this, liability on account of inward supplies, जिस पे रिवर्स चार्ज का पेमेंट है वो आपके 2B से आ जाती है। A functionality is has been enabled या implemented to display liability payment ratio and its computation details thereof. ये आपको टेबल कहां मिलेगी? ये टेबल आपको दिखाई जाएगी टैक्स लाइबिलिटी एंड कंपैरिजन शीट के अंदर। दिस रेशियो ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी एंड द लाइबिलिटी एक्चुअली पेड बाय द टैक्स पेयर वुड इंडिकेट द कंप्लायंस बिहेवियर। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां आपको क्या पता लगेगा, यहां आपको ये चीजें पता लग जाएंगी कि आपने जो भी अमाउंट पे किया है चाहे वो रिटर्न के थ्रू करा हो या फिर उस साल के DRC03 के जरिए पे किया हो, दोनों का ब्रेकअप आपको यहां पता लग जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस इन लाइबिलिटी एंड डिक्लेयर्ड और
पेड दोनों अमाउंट यहां पर दिखाया जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां ये बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी थ्रू DRC 03 वो कितना है। तो यहां पर आपको ये बता दिया जाएगा कि 17-18 या 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 कितना पेमेंट आपने अभी तक किया है। अगर ये 100% से कम है तो आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ दे दी गई है कि DRC 03 को इंक्लूड करने के बाद आपने एक्चुअल पेमेंट कितना किया है। द टैक्स पेयर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ लिंकेज टू फॉर्म GST DRC 03 टू मेक एनी लाइबिलिटी पेमेंट। इसी चीज में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे दिया गया है कि डायरेक्टली आप यहाँ से DRC 03 का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं और अपनी लाइबिलिटी जो है वो नलीफाई करवा सकते हैं। ये जितने भी चेंजेस GST और इनकम टैक्स के अंदर होते हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि GST के अंदर DRC 03 में क्या चेंज हुआ है और इसका इम्पैक्ट अब आपके ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।